हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल उदिता सीवेस डायरी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बेहतरीन माउथ वेटरिंग लाजवाब स्नैक्स रेसिपी, वो है वेज पिज्ज़ा। और हम इसको बनाएंगे विदाउट ओवन एंड विदाउट, इससे बहुत ही ज़्यादा आसान है और घर पे ये सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए हम लोग चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वेज पिज्ज़ा बनाने के लिए इसका जो बेस होता है पिज्ज़ा का, उसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे मैदा ली हूँ 1 कप मैदा, नमक ली हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ ली हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आप चाहे तो बाज़ार से चीज़ ला सकते हैं, मैं यहाँ पे होममेड चीज़ यूज़ की हूँ। आप चाहे तो कोई भी कंपनी की चीज़ आप मार्केट से ला सकते हैं, और पिज्ज़ा चीज़ वो आसानी से मोजरेला चीज़ जो होती है अवेलेबल होती है। ये वाली मोजरेला चीज़ मैं घर पर ही फ्रेंड्स होममेड तरीके से प्रिपेयर की हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चीनी ली हूँ, बेकिंग सोडा ली हूँ, बेकिंग पाउडर ली हूँ, टमाटो केचप ली हूँ, दही ली हूँ, कुकिंग ऑयल ली हूँ। फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा में ऐड करने के लिए जो जो वेजिटेबल्स चाहिए वो भी सोते हैं। मैं यहाँ पे कटे हुए टमाटोज ली हूँ, आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको लंबा लंबा काटी हूँ, और इसके अंदर जो सीड होते हैं फ्रेंड्स उसको मैं एक बॉल में निकाल चुकी हूँ और फ्रिज में स्टोर कर ली, सब्जी बनाते टाइम इसको यूज़ कर लूँगी मैं। यहाँ पर मैं कैप्सिकम को भी क्यूब शेप में काट चुकी हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऐसे ही मैं काटी हूँ। प्याज को मैं कैसे काटी हूँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्यूब शेप में छोटे छोटे पीसेस में। यहाँ पे मैं थोड़ी सी फ्रोजन सब्जी ली हूँ, आप चाहे तो फ्रेश सब्जी भी काट के ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन मटर ली हूँ, क्रन ली हूँ, बीन्स ली हूँ, कैरेट ली हूँ, ब्रोकली ली हूँ। मैं यहाँ पे पिज्ज़ा के सॉस में ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं गार्लिक को काट के ली हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स ली हूँ, और यहाँ पे मैं पेपर पाउडर ली हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सिलेंट्रो ली हूँ, आप चाहे तो ऑरिगानो ले सकते हैं पिज़्ज़ा सीजनिंग के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पिज़्ज़ा बनाना चालू कर लेते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए पहले हम लोग पिज़्ज़ा का बेस रेडी कर लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पहले से ही मैं एक पतीले में मैदा ले चुकी हूँ 1 कप। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर लेती हूँ एक छोटा पिंच। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें चीनी ऐड कर लेती हूँ शू। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जो यहाँ पे बेस बना रही हूँ इसमें मैं बिल्कुल भी ईस्ट नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी हमारे घर पे ईस्ट नहीं होता है, हमको झटपट पिज़्ज़ा बनाना होता है गेस्ट के लिए या फिर बच्चों को खाने का मन हो तब उसके लिए भी, तो नहीं होगा अगर आपके घर पर ईस्ट तो आप ऐसे ही बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर लेती हूँ बस। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें दही ऐड कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 2 बिग टेबलस्पून दही ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं इन सारे सामग्रियों को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेती हूँ फ्रेंड्स प्रॉपरली। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर लेती हूँ, साथ ही में हम लोग मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर लेती हूँ। अब मैं इस सारे सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं सारे सामग्री को मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो बना लेती हूँ। जैसे ही हम लोग आटा का डो बनाते हैं ठीक उसी तरह ही हम लोग इसका भी एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही हाथों से मसलते हुए हमको एक सॉफ्ट डो इसका रेडी करना है। जितना हाथों से इसको अच्छी तरह से मसलते हुए हम लोग बनाएंगे, और इसमें हम लोग ऑयल थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हम लोग ईस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा ऑयल में डाल रही हूँ इसमें फ्रेंड्स, और इसको मैं मिक्स करते हुए अच्छे से मसलते हुए फ्रेंड्स इसका डो बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल सॉफ्ट डो हमको चाहिए फ्रेंड्स, टाइट डो हमको नहीं चाहिए। इसे ऐसे ही फ्रेंड्स में डो बनते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पिज़्ज़ा का बेस बनाने के लिए डो बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्रेंड्स इसको आधे घंटे तक रेस्ट करने छोड़ देती हूँ ढक के। ये रेस्ट हो जाए तभी ये अच्छी तरह से फूल सकेगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ढक के हम लोग 30 मिनट तक रेस्ट करने छोड़ देते हैं, और बाकी सारी सामग्रियों को हम लोग रेडी कर लेते हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए। फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा में ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे पनीर को भी छोटे छोटे पीसेस में काट के ले चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैं छोटे छोटे पीसेस में काट के ली हूँ, और पिज़्ज़ा के बेस को बेलने के लिए मैं यहाँ पे मैदा भी रेडी करके ले चुकी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वेट करते हैं पिज़्ज़ा के बेस अच्छी तरह से रेस्ट कर ले 30 मिनट्स तक, उसके बाद ही हम लोग प्रोसेस हमारे स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं पिज़्ज़ा के सॉसेस रेडी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा के सॉस बनाने के लिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे गार्लिक को काट के ले चुकी हूँ। अब मैं इसमें टोमेटो
केचप ऐड कर लेती हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सेम बाउल में जिसमें गार्लिक मैं काटी थी उसमें टमाटो केचप एक टेबलस्पून ऐड कर चुकी हूँ, बड़ी टेबलस्पून की करी। अब मैं इसमें थोड़ी सी नमक ऐड कर लेती हूँ स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी पेपर पाउडर और चिल्ली फ्लेक्स जो पहले मैं बना के रखी थी उसमें भी ऐड कर लेती हूँ। हम लोग तीखा नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो इसलिए मैं थोड़ी सी बस स्प्रिंकल कर रही हूँ, वरना हम लोग खा नहीं पाएंगे ज़्यादा तीखा। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा पेपर पाउडर और चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर लेती हूँ फ्रेंड्स। बस फ्रेंड्स हल्की सी चिल्ली फ्लेक्स में ऐड की हूँ, कुछ नहीं फ्रेंड्स। बस आप इसमें अपने स्वाद अनुसार अपनी पसंद से जैसे ही आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी बस ऐड की हूँ फ्लेवर के लिए, तीखा हम लोग नहीं खाते हैं इसलिए। अब मैं इन सबको अच्छे तरह मिक्स कर लेती हूँ फ्रेंड्स मैं इसमें थोड़ी सी ड्राई कोरिएंडर यानी कि सिलेंट्रो में ऐड कर चुकी हूँ, और इसको भी मैं पिज़्ज़ा के सॉस में मिक्स कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा का सॉस हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स आधा घंटा हो चुका है, डो हमारा पूरी तरह से रेस्ट भी कर चुका है और रेडी भी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पिज़्ज़ा के बेस बनाना शुरू कर लेते हैं। पिज़्ज़ा के बेस बनाने के लिए मैं गोले बना लेती हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा के बेस बनाने के लिए मैं यहाँ पर गोले बना चुकी हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं ऐसे ही पिज़्ज़ा के बेस बनाने के लिए गोले बना चुकी हूँ, और मैं यहाँ पे मैदा भी लगा चुकी हूँ, और अब मैं इसको अच्छी तरह से बेल लूँगी। आप चाहे तो ऐसे ही हाथों से भी पिज़्ज़ा के बेस को ऐसे ही कर सकते हैं, बेलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा सा मोटा होता है पिज़्ज़ा का बेस, ऐसे ही हाथों से आप कर सकते हैं चारों तरफ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा का बेस तो मैं रेडी कर चुकी हूँ, अब मैं इसको एक प्लेट के ऊपर निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स पिज़्ज़ा के बेस को एक प्लेट के ऊपर मैं निकाल चुकी हूँ, और इसके ऊपर मैं फॉर्क से ऐसे ही होल बना लूँगी थोड़ी सी, बस हल्के हल्के, ज़्यादा होल नहीं बनाना है, जस्ट हल्के से हमको बस थोड़े से ऐसे ही फॉर्क से हम लोग कर सकते हैं। आप चाहे तो फिर टूथपिक को यूज करके थोड़े छोटे होल्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। बस फ्रेंड्स हो गया है, वैसे ही मैं फिंगर से चारों तरफ को प्रेस कर लेती हूँ। बस फ्रेंड्स पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसमें सारी चीज़ें गार्निश कर लेती हूँ। फ्रेंड्स अब मैं पिज़्ज़ा के जो सॉस है इसको चारों तरफ स्प्रिंकल कर लेती हूँ, ऐसे ही स्पून से चारों तरफ लगा लेते हैं फ्रेंड्स पिज़्ज़ा के सॉसेस को। फ्रेंड्स बस फ्रेंड्स हो गया, मैं पिज़्ज़ा सॉस को चारों तरफ बेस की लगा चुकी हूँ, पूरा कवर करते हुए ऐसे ही स्पून से ही मैं लगाई हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब मैं इसमें पनीर ऐसे ही सजा लेती हूँ फ्रेंड्स पनीर को। बस फ्रेंड्स अब बाकी सारी सामग्रियाँ मैं ऐड कर लेती हूँ। फ्रेंड्स अब मैं इसमें चीज़ ऐड कर लेती हूँ, कद्दूकस कर लूँगी फ्रेंड्स मैं चीज़ को, ऐसे ही फ्रेंड्स इसमें कद्दूकस कर लेते हैं चीज़ को। फ्रेंड्स मैं चीज़ ऐड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मोजरेला चीज़ में होममेड बनाई थी फ्रेंड्स। आप चाहे तो ये मोजरेला चीज़ को मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लेती हूँ। फ्रेंड्स हम लोग अभी ऑनियन ऐड कर लेते हैं अंदर, ऐसे ही सजाते हुए मैं ऑनियन ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। बस फ्रेंड्स ऑनियन में ऐड कर चुकी हूँ, अब मैं फ्रोजन जो सब्जी ली थी मटर गाजर मकई ये सब मैं ऐड कर लेती हूँ, ब्रोकली ऐड कर लेती हूँ। बस फ्रेंड्स थोड़ी सी कैप्सिकम हम लोग ऐड कर लेते हैं, टमाटोज हम लोग सजा लेते हैं ऐसे ही फ्रेंड्स टमाटोज को भी। पूरा हमारे वेज पिज़्ज़ा जो है सब्जी से भरी हुई होनी चाहिए, और यम्मी भी वैसे ही हमको लगेगी फ्रेंड्स अगर ये सब्जी से भरी हुई होगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पिज़्ज़ा को मैं अच्छी तरह से सजा चुकी हूँ, अब मैं इसके ऊपर सिलेंट्रो ऐड कर लेती हूँ ड्राई सिलेंट्रो।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा का बेस मैं रेडी कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं पिज़्ज़ा को बेक कर लेते हैं। पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए मैं पहले से ही कढ़ाई गर्म कर रही हूँ। देख सकते हैं कढ़ाई में प्रीहीट कर रही हूँ। इसमें मैं नमक भी ऐड कर चुकी हूँ, नमक को भी प्रीहीट कर रही हूँ मैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये वाला जो नमक है मैं केक बनाते टाइम यूज़ की थी, तो इसलिए थोड़ा सा जला हुआ है। इसको मैं फिर से यूज़ कर रही हूँ, दोबारा इसको मैं कंज्यूम करने के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर प्लेट रख लेती हूँ पिज़्ज़ा का। फ्रेंड्स मैं प्लेट रख चुकी हूँ कढ़ाई के ऊपर। अब नीचे से जो भाप आएगा और जो हीट आएगा उसी से ही हमारा पिज़्ज़ा बेक होगा। अब हम इसको कवर कर लेते हैं लीड बंद करके। फ्रेंड्स मैं पिज़्ज़ा को कवर कर चुकी हूँ। अब मैं इसको 8 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम में अच्छी तरह से बेक कर लूँगी। तो तब तक हम लोग इसको ढक कर ही बेक कर लेते हैं। उसके बाद 7 से 8 मिनट होने के बाद ही हम लोग लीड ओपन करके चेक कर लेंगे हमारा पिज़्ज़ा अच्छे से रेडी हुआ कि नहीं। फ्रेंड तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग वेट करते हैं। फ्रेंड्स पिज़्ज़ा हमारा बेक होके बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसको 7 से 8 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और पिज़्ज़ा को थोड़ी सी ठंडा होने देती हूँ, तभी हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स हमारी सुपर टेस्टी वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी होती है। फ्रेंड्स आप इसको स्नैक्स में या डिनर में ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप इसको नाइफ या पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप इसी तरह से वेज पिज़्ज़ा घर पर बना के जरूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव को मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मेरे सारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए।